अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि तुम सब ठीक ठाक हो। सो अस्सी क्लास छेवीं है और ऐसा सब्जेक्ट जरा उर्दू है ना जी। और इसका जरा अगर अनुमान हो है जी शेर मासूर टीपू सुल्तान। ठीक है, तो अज इस अस दूआ पैराग्राफ पढ़ सा। हैदर ने टीपू की आला तरीन तालीम का इंतजाम किया था। हैदर कौन आसा जी? टीपू सुल्तान दा पे। उसने की किता आसा उसकी तालीम रखी आला इंतजाम की तरह आसा उसने, और उसको बेहतरीन जंग की तरबियत दिलाई थी। यानी कि जंग किसने लड़नी है ना, तो उस तभी उसने की किता आसा उसको तरबियत देती थी। आसी वो अपने बाप की तरह बाहिम्मत हौसला मंद और दलेर था। यानी कि टीपू सुल्तान जरा सा वो अपने पीओ नालों क्या आसा हिम्मत आला आसा, हौसला मंद आसा और दलेर भी आसा। सैर व तफरी में भी टीपू को शेर का शिकार बहुत पसंद था। यानी कि जैसे सैर व तफरी की टिकट गेंदा आसा, तो था शेर का शिकार करना उसको क्या आसा बहुत पसंद आसा। वो तलवार से शिकार करता था, यानी कि बंदूका नाल ना बल्कि किस नाल तलवार नाल के करता आसा जी शिकार करता आसा। शेर को बंदूक से मारना वो बुजदिली समझता था। उसके तहत नशीन होने से पहले का वाक़ा है कि एक रोज टीपू एक फ्रांसीसी अफसर के साथ शिकार को गया, यानी कि उस मतलब हुक्मरान बने से पहले तहत नशीन की हो गया जी, यानी कि बादशाह बने से पहले नहीं हुआ गया कि एक रोज टीपू सुल्तान जरा आसा एक फ्रांस के अफसर नाल कुर गया सा शिकार को गया। शेर सामने आया तो अफसर ने बंदूक तान ली। यानी कि जैसे शेर उनके सामने आया तो जरा अफसर आसा फ्रांसीसी अफसर उसने के की था बंदूक उसदार तान के दी। टीपू ने उसको रोक दिया, उधर शेर तेजी से इन दोनों पर लपका। तो शेर जरा सा की था उसने हमला की जाना दुनिया दर। टीपू ने बिजली की सी तेजी के साथ चपटकर शेर पर वार किया और तलवार के एक ही वार में शेर की चारों टांगें उसके जिस्म से अलग कर दी। यानी कि जी शेर असन हमला किया था, तो ये बिजली की रफ्तार नाल के किया असन शेर था वापस हमला किया और शेर दी चार ही जगह आसियां उसके जिस्म नालों के कर सुटियां अलग कर सुटियां। फ्रांसीसी अफसर ये देखकर दंग रह गया। इस वाक्य के बाद से टीपू को शेर मैसूर के नाम से याद किया जाने लगा। यानी कि ये देखे जैसे उसन तो अफसर जरा ऐसा दंग रह गया ना, और इस वाक्य के बाद उसको क्या किया गया टीपू को शेर मैसूर के नाम से याद किया जाने लगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आज इतना ही, कल इंशाल्लाह और पढ़ सें। खुदा हाफिज़।